गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पंजाब, पटियाला जा रहे हैं हम लोग गाइस। सो आकाश की जो नानी है उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, वहाँ कोई माता है। आई एम रियली सॉरी, मेरे को नहीं पता वहाँ कौन सी माता है, वहाँ जाके ही पता चलेगा। सो पटियाला में कोई माता है, सो मम्मी ने मन्नत मांगी थी बहुत टाइम पहले, सो इसलिए हम लोग उनके साथ जा रहे हैं। उनके साथ क्या मतलब, आकाश ड्राइव करके ले जा रहे गाड़ी। सो मेरी मम्मी भी जा रही है क्योंकि वो घूमने को बहुत शौक है मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी ने बोला मैं भी चल देती हूँ, मतलब हमने उनको पूछा था आप चलोगे, तो मम्मी कहती हाँ मैं भी चल दूँगी। सो मम्मी भी जा रही हैं। सो गाइज, जब निकलूँगी तो सब कुछ दिखाऊँगी आपको, सो स्टे ट्यून। सो गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, मैंने चूड़ा भी पहन लिया और हम ब्लैकी ब्लैकी से हो गए तैयार। हमेशा हम ऐसे ट्विनिंग ही करते हैं। सो अब हम लोग निकल रहे हैं और हमारी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। सो अब मिलते हैं पंजाब के रस्तों पे। और ढाबा अभी तो, हाँ अभी तो हमने डिनर भी नहीं वो किया गाइस, जरूरी है, अभी हम बीच में खाट पे रुकेंगे, बैठ के और ढाबा चाहे मिले ना खाट, भाई पर हम मिलेगी। कोशिश करेंगे कि कोई अच्छे से ढाबे पे जाकर डिनर करें। सो या स्टे ट्यून गाइस। गाइस हम लोग आ गए घर मम्मी को लेने के लिए। रोशु, मेरे पापा आ गए, मम्मी भी आ गई। मम्मी हेलो, हम लोग निकल रहे ट्रिप में। तुम स्मार्ट क्यों लग रहे हो? कह रही है तुम्हारी साली की चीज, स्मार्ट लग रहे हो। नहीं भाई, तू कब आया? वो न्यू डॉग आया अपने एरिया में। जा रहे पापा, आप भी चलो। दिक्कत हो तो आपको फोन कर देना। अरे मैं बंदे मिल जाएंगे। तो है अपने बस, तो बस क्या दिक्कत है पापा? उन्होंने बोला मेरे को फोन कर देना। चलो ठीक है पापा, बाय। इतनी तो है बातचीत अपनी। चलो बैठते अंदर। फाइनली अप्पू ने कहीं रोक लिया है, भूख लग रही है। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी तो सो गई थी, अभी उठी है, अभी रास्ते में हो गई थी। हम कहाँ पे? हम मुर्ती में चल आ गए। चल मैं सीढ़ी में। मम्मी कहाँ है? आओ मम्मी, फोन पे बातें कर रही हैं। तो हम लोग बैठ गए हैं, ये रही बोतलें, ये रही मम्मी। कह रही कुछ नहीं खाऊंगी। क्यों, खा के आयो? क्या खाया था? भिंडी। मम्मी आप क्या खाओगे? मम्मी तो कड़ी चावल। तुम्हारी तो डिमांड अलग है, कड़ी चावल। मम्मी पंजाब की वो आ गई ना। झूला देखो कितना प्यारा लग रहा है आपके पीछे, झूल लो। दोनों माँ बेटी मस्त हो गए। गाइस खाना आ गया, पानी की भुर्जी और कड़ी। हम मैं भी खाऊंगी जो कि का आ गया। देखना बटर, एक पराठे के लिए बटर देखो, या मुरथल में ऐसे चलता है। अक्कू की पनीर की भुर्जी और मम्मी और ये खा रहे हैं। कैसा बना है? मम्मी कैसे? मम्मी ने एक बाइट ले ली। मम्मी बढ़िया बनाए, लहजे से लेके बात बता जल्दी की कैसा लग रहा है। मुझको भी रोटी दे दे भैया। ये लो पानी है बेटा, ये लो। अबे भैया तू टेस्ट नहीं कर रही है, कम्मा नहीं कर रही। आप लो बोतल हटा के। धन्यवाद। कैसा लगा? हाँ भाई पराठा कैसा है? मजा आ गया? पराठे तो तुम खाने वाले, मैंने ले लिया। मैं तो अपनी रोटी जान। गाइस हमने खाना खा लिया और मम्मी ने लेज और क्या कोक भी ले ली, और खाना बहुत अच्छा था। हम तो ऐसे हल्के में ले रहे थे, पर खाना अच्छा लगा है ना मम्मी? आपको कैसा लगा? सब यहाँ पे थे, ये अहूजा, अहूजा ढाबा पे भाई बहुत अच्छा खाना। हाँ मतलब यहाँ पे ना हाइप बना रखी है, अमरिक सुखदेव अमरिक भाई, और भी कोई ट्राई करो, बहुत अच्छा खाना था। सो मस्ट ट्राई। तूने अभी यहाँ चाय ली है, यहाँ कौन सा ढाबा है? सूरज का ढाबा। सो मम्मी तो सो गई, बैठी बैठी सो रही है। चलो हम लोग ना पटियाला मतलब आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं, बट इतनी ज़्यादा बिजली और बारिश, हमें तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़्यादा यहाँ मूसलाधार वाली बारिश हो रही है गाइस। मतलब
मैंने जिंदगी में कभी इतनी भयानक बिजली कड़कती भी नहीं देखी जो मैं आज देख रही हूँ। कुछ कहना है आपको? भाई मैंने आज तक ऐसी बिजली कड़कती नहीं देखी, पूरी लाइन बनी है बादल चीतने में। सीरियसली हमें तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि कोई और नहीं है, बस एक ट्रक जा रहा है हमारे साथ और कोई भी नहीं है पूरे रोड पे। सो बस हम 30 मिनट्स में दिखा रहा है कि पहुँच जाएंगे। टोल पर रुके और बारिश देखो, मतलब माई गॉड इतनी ज़्यादा तेज है, बहुत तेज हो रही है, लिटरली कुछ दिख भी नहीं रहा बाहर का, बहुत तेज हो रही है। सो गाइज रात को हम लोग आ गए थे बट मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमने बस अपना एक रूम लिया यहाँ पे पटियाला में। एक तो बहुत मुश्किल से रूम मिला, यहाँ रूम नहीं मिल रहा था हमको, फिर एक रूम मिला, काफ़ी बड़ा रूम था तो हमने एक ही रूम लिया। सो हम लोगों ने रात में हम सो गए और अब हम रेडी हो गए हैं नहा वहा के, अब जा रहे हैं माता के मंदिर। अक्कू अक्कू भी रेडी हो गए हैं, चले हम माता के दर्शन करने। हाँ उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। सो स्टे ट्यून गाइस। गाइस मम्मी ना आईलैशेस मस्कारा लगवा रही है बिकॉज जब मम्मी ने मन्नत मांगी थी, जब मम्मी की आईलैश ब्लैक थी अब हो गई है व्हाइट। तो माता के उसको दोबारा से यू नो व्हाइट ब्लैक व्हाइट से ब्लैक करना पड़ेगा। सो देखो अब हम इसको मैजिक करेंगे और ये जो व्हाइट है अब हम इनको ब्लैक कर देंगे। देखो देखो गाइस हो गई ना, अब हम रेडी हो रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं माता पे जाने के लिए। माता का जी सोने वाले आ गए हैं और देखो यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। भीड़ मम्मी यहाँ मंदिर शॉप्स भी है अंदर ना, छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है। मम्मी मम्मी आ गए आपकी माता पे। अभी अक्कू ना पार्किंग नहीं मिली हमें यहाँ पे, तो अक्कू भी मॉल गए हैं पार्किंग में। देखना कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखो कितनी सुंदर सुंदर माता की चुन्नी है और देखो ये रहा वो लड़का, जो लड़की बना हुआ है, चूड़ा भी पहन रखा है, बच्चे को गोदी में ले रखा है, चुटकियाँ वगैरह सिंदूर सब कुछ पहन रखा है इसने, चोला ले रही है। चोला है जो कि 900 बहुत ज्यादा इन लोगों ने प्राइसेस बढ़ा रखे हैं। एक किलो लड्डू किलो सवा किलो लड्डू के सवा किलो एक डब्बा बढ़ाया, सवा किलो लड्डू का है। अमर चंदी है 80 माता दा चोला दर्शन हो गए हैं आपको को ये वापस मिले। हाँ दर्शन हो गए हैं। मम्मी आपको कैसा लगा? मम्मी ये बैठी और ये क्या है? हाँ भैरव मंदिर कह रहे हैं, तो ये मंदिर है, मंदिर तो काफी बड़ा है ये। मेरी मम्मा कैसा लगा फिर माता के दर्शन करके? पर वैसे माता का रूप मंदिर तो बहुत सुंदर और माता खुद साक्षात है। हाँ। दर्शन अच्छे से हो गए बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सो अब देखते हैं, हमने एक्चुअली ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सो अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। गाइज दर्शन तो हो गए थे तो हम लोगों ने दर्शन तो कर लिए हैं, अब मैं गाड़ी में बैठी क्योंकि ना एक्चुअली मेरा हेडेक हो गया, मुझे ना भीड़ देख के थोड़ा एंजाइटी हो जाती है क्योंकि मैं बचपन से ही कभी इतना भीड़ भड़ाके वाले इलाके में नहीं गई हूँ। मैं कैंट में रही हूँ शुरू से, तो हमें पापा कहीं लेके ही नहीं गए हैं ऐसे भीड़ वाले, तो मुझे ना एंजाइटी हो जाती है और उससे ना मेरा हेडेक शुरू हो जाता है। तो इसलिए अब अक्कू और तो खाना खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया बट मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का। सो मैं यहीं गाड़ी में बैठी हूँ और वो लोग खाना खा रहे हैं, रुके हैं हम लोग, अंदर बैठे हैं वो लोग, गाड़ी में हूँ। सो यही अभी तक का अपडेट।
कितनी सुंदर लग रही है देखो, गाइस हम लोग हिमाचल के लिए निकल रहे थे तो बीच में ना इतनी सुरखो दिख गई, मतलब रिवर है यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल है ना, मतलब दिल्ली में ना अगर ऐसे कोई रिवर हो ना तो उसमें इतनी गंदगी डाल देंगे लोग, बट ये इतनी सुंदर है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमने तो गाड़ी उतार दी, वाओ कितनी प्यारा है, सो ब्यूटीफुल गाइस देखो कितनी सुंदर रिवर है, कितनी प्यारी लग रही है, मतलब मेरे से तो रुका नहीं गया, हमने तो गाड़ी ही नीचे उतार दी। बहुत सुंदर है, मम्मी को देखो, ये देखना मम्मी को क्या कर रही है मम्मी, मम्मी। तो इतनी गंदी कर दे लोग ना, और मेरे को तो दिख के मेरे को ना पानी और ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग इसलिए रुक गए। देखो दिखाना तो कितना सुंदर है, पूरी ब्लू कलर है, पूरा ब्लू ट्रांसपेरेंट है, और मतलब कैमरा तो जस्टिस भी नहीं कर रहा है इस चीज को जितना यहाँ पे मतलब ब्यूटीफुल आईज में देखने में है। और ना मतलब दो मतलब लड़के हैं वहाँ खड़े हैं, वो तो फिशिंग भी कर रहे हैं, मतलब फिश भी है इसके अंदर। और भैया क्या कह रहे थे, जो वो लड़के खड़े हैं क्या कह रहे थे कि ठंडा पानी, हाँ दिख भी नहीं है, छोटी छोटी देखो ये जा रही है, वहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी हैं वो जाने के लिए, और कह रहे हैं गर्मियों में उसमें बहुत इंजॉय करते हैं लोग। अंकल कह रहे हैं, वो भैया भी कह रहे थे दोनों की बहुत गहरी भी बहुत है। भवर देखो, भवर फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे भवर देखा है, ये देखो बीच में देखो भवर, भवर बन रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत गहरी भी है भैया कह रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हिमाचल, और गाइस हाँ हम ना इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो हम इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, तो इसका जो पार्ट 2 होगा ना उस वो हम हिमाचल वाला दिखाएंगे, सो बाय गाइस।